हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, हमने 9th क्लास में रियल नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 1.2 एक्सरसाइज कर ली थी और 1.2 के आगे के डेसिमल एक्सपेंशंस और उसके कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले या वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कह रहे हैं कि आपको जो आपके ये डेसिमल जो आपका नंबर दिया हुआ है, आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लेकर के आइए और फिर बताइए कि वो क्या किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन 36/100 है, तो आप 36/100 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद उसका, या फिर आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 100 से डिवाइड करा, पहले तो 36 में आएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया हमने, 0. ये हो गया 0.33, 300। अब आपका बचा 60, पॉइंट लगा हुआ, एक जीरो और उतार दिया, 600 हो गया ये। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ऐसे नंबर जिनमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है हम उनको क्या कहते हैं, क्या है ये नंबर? टर्मिनेट। तो ये नंबर क्या है? टर्मिनेट। ये हमने पिछले एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया है काफी, इसके बारे में बात करिए। और अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दिया हुआ है 1/11। आप देखिए 1/11 कैसे करेंगे इसको, 11 से डिवाइड करेंगे किसको? 1 को। आपने लगा दिया पॉइंट, ये हो गया 0, अभी भी नहीं जाएगा, आपको एक जीरो और लेना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 11 से छोटा होता है, तो 11 9 99। अब बचा आपका 1, बन आ गया, पॉइंट लगावा है, आपने जीरो बढ़ा लिया, अभी भी नहीं जाएगा, एक जीरो और लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ 100, फिर ये आपका 99। फिर आप देखोगे कि 1 बचेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, नहीं जाएगा, फिर आप क्या करोगे, एक जीरो और लेके 9। तो आप देख रहे हो हर बार 0.0909 आ रहा है, ये 0909 09 09, यानी कि 09 का बार ले लिया आपने। तो ये नंबर कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तीसरा हमारा है 4/1/8। तीसरा है 4/1/8। आपने क्या करा, इसको पहले प्रॉपर कर लेंगे, 4 8 30, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 133, तो 33/8 आ गया। अब आप 33/8 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 33 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 4 32, बचे कितने? 1 हो गए हैं, लगा दिया आपने पॉइंट, 8 1 8, बचा कितना हो गया? 2 हो गया, 20, 8 2 16, बचा कितना हो गया? 4 5 40। आपने देखा एक पर्टिकुलर नंबर के बाद रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। तो जिसमें आपका रिमाइंडर 0 बच जाए वो आपका टर्मिनेटिंग है, और जिसमें 0 नहीं बच रहा है, बार बार एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है, वो क्या कहता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 3/13, यानी के 13 को डिवाइड करना है, सॉरी 3 को डिवाइड करना है किससे? 13 से, ठीक है। तो हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ हो गया 13 13 2 26, बचे आपके 4, हो गया पॉइंट लगा हुआ, हो गया 40, 13 3 39, बचा 1। अब 1 है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार देंगे, फिर अब आपको यहाँ 10 में जाएगा नहीं, क्योंकि ये 13 बड़ा है, ये छोटा है, तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 7 13 7 91, बचे कितने होगा? 9 होगा, 90, 13 8 13 6 78, बचे 12।
अब ये होगा 120 और 39 117 कितना आया 33। यानी कि आपने देखा कि 30 से स्टार्ट हुआ है ये और ये वहीं पहुंच गया था, यानी कि ये आपका ये डिजिट फिर से रिपीट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.30769। बार बार ये रिपीट होगी तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यानी कि रिकरिंग है, रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, 2/11 है, यानी कि फिफ्थ पार्ट है 2/11, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 11 से। पॉइंट लगा दिया 1 दा, कितने बच्चे 9 होगा, ये पॉइंट लगा हुआ है तो 90 होगा, 11 8 88 बचे 2 ना आपका होगा 20 फिर से, फिर 11 बन जाए 11, फिर बचे 9, फिर 88, फिर यही रिपीट होता रहेगा बार बार। ये भी क्या हो गया, आंसर इसका ये आ गया 2/11 = 0.181818 यानी कि 18 का बार। ठीक है, अब तो ये भी क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट है इसमें 329/400, सिक्स पार्ट है 329/400। अब हम इसको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 329/400, 4 8 पॉइंट लगा देंगे पहले हम इसमें, तो ये हो जाएगा ये, तो 8 32 बचा कितना आपका 90 में जाएगा नहीं, जीरो लिख लेंगे, 9 2 आपका जाएगा 800 हो जाएगा, बचेगा 100 में जाएगा नहीं, जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 जाएगा 800 बचेगा 2 हो जाएगा 25 8.8825 0.8225। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 0.142857 पर बार लगा हुआ है, यू कैन यू द प्रिडिक्ट व्हाट इज द एक्चुअली व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर द विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या अगर बगैर डिवीजन करे आपको इन सब की वैल्यूज बताना है, 2/7 3/7 4/7 और 6/7। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू दी हुई है 142857। ठीक है, अगर हम 2/7 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 × 1/7, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, तो 2 की जगह 2 लगा दिया हमने, 1/7 की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 1 carry 2 5 10 1 11, 1 carry 2 8 16 17, 1 carry 2 2 4 5 2 4 8 और 2 1 2। ये आ गया 2/7 की वैल्यू, 2 8 5 7 1 4। ठीक है, इसी तरीके से आप 3/7 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 3/7 को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 3 × 1/7। तो आपने क्या करा, 3 की जगह 3 लिखा, 1/7 की वैल्यू आपने यहां से पुट कर दी 0.142857। जब हम इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 7 21, 2 carry 3 5 15 2 17, 1 carry 3 8 24, 1 25 2 carry 3 2 6 2 8 हो गया, 3 4 12, 1 carry 3 1 3 1 4, ये आ गया 42 8 5 7 1। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप 4/7 की भी निकाल सकते हैं, जो भी आपकी पूछी है 5/7 और 6/7 ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बाकी भी आप करिए, आप प्रैक्टिस करिए, 3/4/7 5/7 6/7 की वैल्यू निकाल करके देखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर्स दिए हुए हैं आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेकर के आइए, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू जो है वो जीरो नहीं है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपको जो नंबर दिए हुए हैं ये नंबर्स आपको इनमें इनको कायम रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, ये हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको एक्स लेट कर लेते हैं, जीरो पॉइंट बार लगा हुआ है तो बार बार लिख सकते हैं, सिक्स 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 इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अब आपने क्या करा इस नंबर में, क्योंकि ये सब में एक जैसे डिजिट है, एक ही नंबर है, एक जैसे सारे नंबर एक जैसे ही है, तो आप इसमें टेन से मल्टीप्लाई कर लो। टेन से मल्टीप्लाई कर ली तो सिक्स बाहर आ गया, अंदर रहेगा सिक्स 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 डॉट 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 डॉट। अब जब हमने टेन से मल्टीप्लाई करा तो एक नंबर बाहर आया, बाकी सब डेसिमल के अंदर है और x की वैल्यू जो है वो 0.666666 डॉट डॉट डॉट। अब आपने क्या करा इसको माइनस कर दिया, 10 में से 1 माइनस करा तो ये बचे 9x और 6 में से 0 गया 6, बाकी सारे क्या होगा ये 0 हो गए डॉट डॉट डॉट। तो 9x आपको इज इक्वल टू कितना हो गया ये 6, तो x इज इक्वल टू कितना है आपका, x इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 9, 3 से काट दिया 3 2 जा 3 3 जा, तो कितना आया आंसर इसका 2 अपॉन 3। तो अगर हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 2 अपॉन 3। दूसरा है हमारा 4x = 0.47 बार। अब इसको क्या करेंगे, 7 के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर ये है और एक नंबर ये है बार वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो नंबर लेना है बाहर। जब हमें एक नंबर बाहर लेना था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करी है, अब हमें दो नंबर बाहर लेना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 100 से। तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दी इसमें 100 से, इसको हमने लिख दिया ऐसे करके 7777 डॉट डॉट डॉट। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो कितना बाहर अंदर आ गया, बाहर आ गया पॉइंट से पहले 47, बाकी कितना रह गया अंदर 7777 डॉट डॉट डॉट। अब हम देखो अगर यहां पर x लिखेंगे तो पॉइंट के बाद पहले 4 आ जाएगा, जबकि पॉइंट के बाद पहले क्या आना चाहिए 7 ही आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो हम इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 तो बाहर चला जाएगा पॉइंट के डेसिमल के और ये सब 7777 डॉट डॉट तक रह जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 100 में से 10 माइनस करा कितना बचा 90x और 47 में से 4 माइनस करा तो कितना बचा 43, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 43 अपॉन 90। ठीक है, ये दूसरे का भी आपका p अपॉन q की फॉर्म में आ गया ये। अब हमारा तीसरा है, देखिए इसको भी हम x लेट कर लेंगे 0.001001001001। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन नंबर है आपके पास, कितने नंबर है ये 3, तो आप क्या करना है इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी। जब आपने x की 1000 से मल्टीप्लाई करी तो तीन नंबर जो है बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 0.001001001। अब क्योंकि x स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है तो आप इसको सिर्फ x ही ले सकते हैं 0010001 डॉट 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 डॉट। अब आपने क्या करा इसको माइनस कर दिया, यहाँ बचा आपका 999x और यहाँ बचा 1। ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया आपका 1 अपॉन 999। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पिछले वीडियो में करा रखे हैं, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं और यहाँ पर भी मैंने दोबारा से जो एक्सरसाइज आई है फिर से इसको किया है, तो हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में कराए हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो अगर इन चीजों को अच्छे से समझना है तो मेरा लास्ट वाला वीडियो यानी कि वो जरूर देखें। ठीक है, वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको करना है और ये कह रहे हैं आर यू सरप्राइज्ड, और आंसर क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए और क्यों हुए, इसमें आप कह रहे हैं क्लास टीचर से इसके बारे में डिस्कस करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन ये क्या कहता है। देखिए पहले तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 0.999 डॉट 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 डॉट।
हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 10 से, ये हो गया 10 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब हमने x की वैल्यू इसके नीचे रख दी 0.9999 डॉट 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 डॉट। आपने इसको माइनस करा, ये बचा 9x, ये 0 में से 9 गया, ये भी 9 बचा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 upon 9 9 1 9, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 1। तो कह रहे हैं कि इसका आंसर तो 1 आ गया, तो बिल्कुल 1 ही आएगा क्योंकि 99.0.99999 नियर अबाउट 1। तो ये एक ही है, एक ही की वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 1/17 में कितनी डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग में है। कहने का मतलब ये है कि आपको 1/17 को डिवाइड करना है, और जहां पर जो पहला नंबर है, जब डिवीजन करते 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 नंबर, जैसे ही पहला नंबर जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पहुंच गए, तो वहीं रुक जाना है और उसकी डिजिट्स को काउंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 17 डिवाइड करना है कितने से, 17 को डिवाइड, 1 को डिवाइड करना है 17 से। पहले पॉइंट लगा देंगे, यहां बढ़ा देंगे 0, फिर एक 0 लगा लेंगे, 7 5 85, आपके बचे कितने 15 हो गए 150, फिर 7 8 आपने लगा दिया, आपका आ गया 136, फिर आपने माइनस किया 140, फिर 8 जाएगा 136, ये बचा आपका 40 यानी कि 32 34, अब आपका आ गया, तो ये आया 6 आया, 6 हो गया 60 टू द, अब बचा 60 में कितनी बार जाएगा 17 3 51 बचा 9 हो गया 90, फिर 7 5 85 बचा कितना 5 हो गया 50, फिर 34 बचा कितना हो गया 160 हो गया, ये 160 कितने बार जाएगा, 160 डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग 9 times, तो 9 times यानी 153, अच्छा कितना हो गया 7। अब इससे आगे यहाँ देखते हैं 7 9 आ गया था ये 17, अब इसमें आपने 0 बढ़ा दिया, अब 68, अब आपका बचा कितना 2 हो गया 27, 17 बचे कितने 3 हो गया 30, 17 17, फिर बचा आपका 130, ठीक है 130, आप कितनी बार करेंगे 17 8 था 136, 17 7 कितना हुआ 119, और 119 माइनस करेंगे और आएगा 110, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे आप 6 102 आ जाएगा, फिर बचेगा आपका 8 हो जाएगा 80, और फिर आप करेंगे इसको 68 बचेगा कितना आपका, बचा कितना 12 120 हो गया, फिर इस 17 7 119 ये बचा। अब आखिर में फिर आपका यहाँ पर 1 आया, यानी कि जहां हमने 1 से स्टार्ट किया था, तो 1 के बाद यहां पे देखिए 1 के बाद कहां से आया, ये 1 के बाद जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से, अब ये यहाँ से रिपीटिंग शुरू हो जाएगी, इसमें हम इसका अगर 0 लगा देंगे ये नंबर रिपीट हो जाएगा, तो ये जो जितनी भी डिजिट्स आ रही है यहां से आता है, ये क्या सब की सब कैसे रिपीटिंग में है, यानी कि आपका आंसर हुआ, आपकी डिजिट जो रिपीटिंग वाली डिजिट है वो क्या है 0.58823529411767, ये आया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो आपने देखा कि इसमें आंसर कितने डिजिट का आ रहा है, रिपीटिंग डिजिट जो कितने की है 16 डिजिट की है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6,
लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. कह रहे हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जिन जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो वन के अलावा. हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उनका जो टर्मिनेटर जो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग में होना चाहिए. तो कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. कह रहे हैं क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी. देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. जैसे हमने देख लिया 1/2 से स्टार्ट करते हैं 1/1 तो कोई नंबर नहीं 1/1 ही रहेगा. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10. जब हम डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका और इसका इन चारों का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा आएगा. टर्मिनेटिंग में आएगा. आप तब करके देखो 1/2 2/5 10 0.5 आ जाएगा. 1/3 का हमने पहले वाले वीडियो में निकाला था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं. तो 1/3 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन करा था तो आया था 3.3333.. अगर हम 1/4 की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 4.428 और 4.5. देखिए तो आप क्या देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि जिसके नीचे 2 है या 2 की पावर है या 5 है वहां पर क्या हो रहा है कि वो अपना टर्मिनेट उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है. टर्मिनेट है. तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा कि क्यू जो होना चाहिए वो या तो 2 हो या 2 की पावर्स में हो और 5 हो या 5 की पावर्स में हो. तो नीचे 2 या 2 की पावर हो या 5 हो या 5 की पावर्स हो. ठीक है. तो Q मस्ट बी 2 और 2 पावर्स ऑफ 2 5 और तो यहां लिखेंगे Q मस्ट कैसा होना चाहिए. Q मस्ट बी 2 और पावर्स ऑफ 2 या तो 2 हो या 2 की पावर्स हो. ठीक है. या Q मस्ट या क्या हो 5 हो या 5 की पावर्स हो. ठीक है. ये आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे. जब आप 10th क्लास में चले जाओगे तो वहां पर भी आप ये चैप्टर इसका देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है. आपको 3 नंबर बताना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में हो और नॉन रिकरिंग हो. तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो वाला वीडियो देखा है तो आपने उसमें हमने दो तरीके के इन क्वेश्चन इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोनों चीजों को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है तो वो रेशनल नंबर है और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर है. ठीक है. तो इसमें इन शॉर्ट इसमें आपसे 3 इरेशनल नंबर के बारे में पूछा है. क्या पूछा है. राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. या अगर आपसे ये कह दें कि 3 इरेशनल नंबर्स को आप लिखिए तो कोई भी आप 3 ऐसे नंबर लिख दीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो. तो हमने पहला एग्जांपल ले लिया 0.10100100100100000001000001. ये कैसा है. नॉन टर्मिनेटिंग है. कट नहीं रहा है आगे चलता चला जा रहा है और इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं है. जैसे डिजिट्स ब्लॉक पूरा पूरा रिपीट होता है ऐसा कोई रिपीटिंग नहीं है. या कोई और नंबर ले लीजिए 2020200200002000002000002 ऐसे लेते जा रहे हैं. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है. ऐसे ही कोई और लिख दीजिए आप 7 से ले लीजिए 0.7 0707 0007 0007 0007 0007. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. तो ये सारे के सारे नंबर कैसे इरेशनल नंबर्स हैं. अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर. अब इसने इसमें डायरेक्ट पूछ लिया आपसे 3 इरेशनल नंबर आपको बताना है. ठीक है. बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 ये रेशनल नंबर है 9/11 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि हमसे P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है. इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर आपको बताना है. तो इसका तरीका ये है कि पहले हम 5/7 को
डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं इसका क्या आता है। 7 जीरो लगा दिया हमने, सॉरी पॉइंट लगा दिया, और 7 7 49 बचा 1 हो गया, पॉइंट लगा हुआ 10 हो गया, 7 1 7 बचे 3 हो गया 30, 7 4 28 बचा 2 हो गया 20, 7 2 14 बचा 6 हो गया 60, 7 8 56 ये हमने ले लिया नंबर। अब ये बच रहा है 4 बच रहा है समथिंग डॉट डॉट समथिंग कुछ आएगा ये आगे, चलिए कर देखे देख लेते हैं। 56 आया है, सॉरी 4 आया, 4 के आगे हम लगा लिया 0, 40 हो गया, 7 5 35 बचा आपका 5 हो गया 50, यही कि यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि ये डिजिट रिपीटिंग हो गई यहाँ से। अच्छा इसका तो ये आ गया, इसका देखते हैं 9 का 11 से, 11 पॉइंट लगा दिया, 11 8 88 बचे 2 हो गए 20, 11 1 11 बचे 9 हो गए 90, 11 8 88 फिर 2 बचा, फिर ये 1 हो गया, यानी कि आपके पास दो नंबर आ गए। कौन कौन से? एक तो आया आपके पास 0.7 0.714285 और एक है 0.818181। अब इन दोनों के बीच हम 3 रेशनल नंबर बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 71 है ना, अब आप क्या करो यहाँ पर 72 ले लो, 72.072000072000072000072 तो ये मतलब 0.7271 से ज्यादा है और 81 से कम है, तो इसके बीच में आ गया एक नंबर, तो ये आ गया आपका। आप कोई और नंबर ले लो इसके अलावा, 73 ले लो, 0373 0073 0073 0073 0073 कोई भी ले सकते हो आप, 80 भी ले सकते हो, इसके बाद इससे पहले 80 भी ले सकते हो, 79 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 76 भी ले सकते हो, बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर दोनों ही इनफाइनाइटली हो सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, नंबर को इरेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है आपको क्लासिफाई करना है। आपने अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले, उसको देखने के बाद ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये वाला एक्सरसाइज भी आपकी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, तो सारे वीडियोस जरूर देखें, हर एक वीडियो में पूरी डिटेल है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द 23, रूट 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये कैसा नंबर हो जाता, इरेशनल नंबर हो जाता। दूसरा है हमारा 225, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 15, और 15 को हम 15/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया कैसा, रेशनल नंबर। सही है। तीसरा है आपका दिया हुआ है, तीसरा है आपका 0.3796, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका पॉइंट हटा सकते हो और इसको पॉइंट हटा के एक नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 0 लगा सकते हैं, तो ये आपका कैसा बनने है नंबर, रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया, ये कौन को क्यू की फॉर्म में ये आ गया। अब आपका देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है फोर्थ पार्ट है 7 7.478 478 और डॉट डॉट, आप इसमें ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद की जो नंबर है ये कहते हैं रिपीटिंग में है, तो ये नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है तो कैसा नंबर होता है, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा लास्ट दिया हुआ है 1.01 0001 0001 और 0001,
तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें हर बार एक जीरो बढ़ता जा रहा है बीच में, और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, मतलब उसका नाम क्या होता है? जो डिजिट ऐसी होती है जो नॉन रिपीटिंग ऑन और सॉरी नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन ही रिपीट है। नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिपीटिंग ये क्या हो गई? ये हो गई इरेशनल। ठीक है, ये क्या हो गई? इरेशनल। तो इस तरीके से पहला और आखिरी आपका इरेशनल आया, फिफ्थ फर्स्ट और फिफ्थ इरेशनल, बाकी सारे के सारे रेशनल। ठीक है, ये वीडियो आज यहीं खत्म होते हैं हम। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।